वेलकम बैक फ्रेंड्स, त्रिदेव इन्वेस्टमेंट लैब में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे जो लगातार न्यू न्यू अपडेट्स न्यूज में आपके लिए लेकर आता रहता हूँ वो आपको मिलते रहेंगे। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कोलपाल का शेयर के बारे में, जो कि इसने आज अपना रिजल्ट क्लियर कर दिया है। और आप देख सकते हैं गाइस, मैं आपके साथ इसका जो भी है इनकम, ये आप देख सकते हैं टोटल इनकम जो इसका रहा है वो आपको मैं क्लियर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका जो टोटल इनकम रहा है इस क्वार्टर का, आप देख सकते हैं 1,17,118 का रहा है। अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो आप देख सकते हैं गाइस 1,28,981 का आपको देखने को मिला है, जो कि पिछले क्वार्टर में था। और अगर ईयर एंड ईयर की बात करें तो आप देखते हैं 1,04,690 आपको देखने को मिला है। तो गाइस अगर ईयर एंड ईयर की बात करें तो आप ईयर एंड में काफी आपको एडवांस देखने को मिल रहा है इस बार इसका टोटल इनकम जो रहा है। और अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो गाइस इस बार थोड़ा डिक्लाइन आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइस ईयर एंड ईयर में इसने थोड़ा सा प्रॉफिट बनाई है और काफी अच्छी नेट इनकम भी क्लियर किया है। और अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो इसमें थोड़ा डिक्लाइन है, जो कि आपको अभी फिलहाल इस बार जो है नेट इनकम कम, यानी कि शेयर में थोड़ी गिरावट की चांसेस यहाँ से बन सकती है गाइस, क्योंकि ये इस कंपनी ने इस बार जो है थोड़ी कम अपनी इनकम की है पिछले क्वार्टर के अपेक्षा। देखिए कि अगर ये कंपनी जो है इनकम की है तो आप देख सकते हैं इसका जो है एक्सपेंस भी होगा गाइस, जो कि कंपनी जो इनकम की है तो खर्च भी बनता है। तो आप देख सकते हैं इसका जो है टोटल आप एक्सपेंस देखें तो आप देख सकते हैं इसका जो एक्सपेंस रहा है वो आपको ये देखने को मिल रहा है, जो कि 85,699 का आपको खर्च देखने को मिल रहा है। जो कंपनी का इतना इनकम किया तो खर्च भी बनता है, जो कि आपको ये खर्च देखने को मिल रहा है। और अगर बात करें इसके पिछले क्वार्टर की तो गाइस आप देखते हैं 90,845 देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर एंड क्वार्टर में देखें तो आपको इस बार थोड़ा है डिक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कि कंपनी के लिए काफी अच्छी बात है। और अगर ईयर एंड ईयर की बात करें तो आपको देखने को मिल रहा है गाइस थोड़ी एडवांस में, यानी कि इंक्रीजिंग देखने को मिल रहा है, जो कि ईयर एंड ईयर के लिए थोड़ी आपको ये अच्छी बात नहीं है, जो कि अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर से देखें तो आपको काफी अच्छी बात है, क्योंकि इस बार जो है कंपनी ने काफी कम खर्च किए हैं ये पिछले क्वार्टर के अपेक्षा। अगर ईयर की बात करें तो ईयर की अपेक्षा जो है इस बार जो है काफी ज्यादा खर्च आपको देखने को मिल रही है। इसके आगे की बात करें यानी कि नेट प्रॉफिट की, जो कि कंपनी ने इनकम किया तो खर्च भी किया, और खर्च के बाद जो कि इसका नेट प्रॉफिट बचा है टैक्स ये सब सभी काटने के बाद, तो आप देख सकते हैं इसका जो नेट प्रॉफिट बचा है वो आप देख सकते हैं 23,323 का इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा है। अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो गाइस ये पिछले क्वार्टर में था 1,466 आपको देखने को मिल रहा था, जो कि पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर में आपको थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, यानी कि गाइस इसमें प्रॉफिट जो है इस बार पिछले क्वार्टर के अपेक्षा आपको कम देखने को मिल रहा है। अगर ईयर एंड ईयर की बात करें तो गाइस काफी अच्छी प्रॉफिट आपको देखने को मिल रही है पिछले ईयर के अपेक्षा, तो काफी अच्छी बात है। ईयर एंड ईयर में आपको ईयर एंड ईयर वाइज ये काफी ये जो शेयर है आपको ग्रोथ करते चल जा रहा है, कंपनी ग्रोथ कर रही है। लेकिन अगर क्वार्टर में बात करें गाइस तो ये थोड़े बहुत की आपको इसमें डिक्रीजिंग, यानी कि थोड़े बहुत की आपको कमी देखने को मिल रही है प्रॉफिट में, थोड़ा इस बार ये कंपनी कम किया है आप देख सकते हैं। तो पिछले ईयर का जो इसका प्राइस है गाइस, इसने जो नेट इन प्रॉफिट जो बनाया था वो 90,818 का बनाया था, और इस क्वार्टर में 31,466 का। और आप देख सकते हैं पिछले क्वार्टर का था ये गाइस, और इस क्वार्टर में जो है ये 23,323 का बनाया है। तो गाइस ये पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस बार थोड़ा कम किया है। और अगर आगे देखें तो ये पर शेयर कितना इनकम करता है, तो आप देख सकते हैं गाइस इसका ईपीएस देखते हैं, अर्निंग पर शेयर क्या हो सकता है। तो ये इस क्वार्टर में जो आप देख सकते हैं 8.58 का देखने को आपको मिल रहा है, जो कि आप अगर पिछले क्वार्टर के अपेक्षा अगर इसमें तुलना करें तो आपको ये थोड़ा कम देखने को मिल रही है, जो कि आपको पिछले क्वार्टर से कम इस बार जो है ईपीएस आपको देखने को मिल रहा है। अगर ईयर एंड ईयर की बात करें तो आप देख सकते हैं 7.29 आपको पिछले ईयर का देखने को मिल रहा था, और इस बार में आपको आपको इस बार जो है एडवांस देखने को मिल रहा है, इंक्रीजिंग देखने को मिल रही है। अगर क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें तो थोड़ा आपको डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह के शेयर्स न्यूज पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।